ओके देखो मैक्सिमम मिनिमम तो बेबी यहाँ पे भी प्रॉब्लम। तो मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या होता है, देखो तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और उसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगी। किसी भी एक्सप्रेशन का आपको देखना है तो उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यही होता है आपका मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम बहुत कोई डिफरेंस नहीं होता है, ना अलग सा टॉपिक होता है जिसको आप नहीं समझ पाओगे। मैक्सिमम मिनिमम सेम टू सेम होता है, कोई इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम मिनिमम जैसे आप लोग कैलकुलेटर, जैसे मैंने बोल लो कि एक्स की कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, वाई की कितना मिनिमम वैल्यू है, तो किसी की भी मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो। जस्ट लाइक देखो ये एक्स है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे कितना होगा, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बताओ, इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जैसे 1 रख सकते हो, एक्स वैल्यू 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, क्योंकि यहाँ तक कितना ले सकते हो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक मैक्सिमम कितना तक ले सकते हो आप, इन्फिनिटी तक ऐसे जाते जाते कहाँ तक जा सकते हो, इनफाइनाइट तक जा सकते हो, ठीक है ना। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू जितनी नेगेटिव में बड़ी वैल्यू होती है क्या होती है, छोटी वैल्यू होती है, माइनस राइट है ना। ये कहाँ तक चला जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी चला जाएगा, क्योंकि माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 ऐसे कहाँ तक डट जाओगे, माइनस इनफाइनाइट पे। माइनस इनफाइनाइट जो होगा आपका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू बनेगा। अब प्लस इनफाइनाइट जो होगा क्या बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू बनेगा, राइट है। अगर यहाँ पे माइनस एक्स डाल दिया, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डाल दिया, माइनस एक्स डाल दिया, अब माइनस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे भी यही सेम चीज होगा, इनफाइनाइट होगा, ये क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। देखो अगर ये नंबर लाइन है यहाँ पे 0 1 2 3 डॉट डॉट कितना इनफाइनाइट हुआ, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 डॉट डॉट कितना जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। अब देखो क्या करोगे, 0 रखोगे इसकी वजह से 0 आएगी, 1 रखोगे तो माइनस 1 आएगी, 2 रखोगे तो माइनस 2, 3 रखोगे तो माइनस 3, एंड इनफाइनाइट रखोगे तो कितना आएगा, माइनस का इनफाइनाइट आएगा क्या, इनफाइनाइट रखोगे तो कितना आएगा, माइनस का इनफाइनाइट आएगा। सिमिलर यहाँ पे देखो माइनस 1 रखोगे तो प्लस माइनस पहले से है, माइनस 1 रखोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 2 रखोगे तो फिर से माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस 3 रखोगे फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। फिर माइनस अगर इनफाइनाइट रखोगे यहाँ पे तो माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई से क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट। तो एक इधर से क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट, इधर से आएगा क्या, प्लस इनफाइनाइट। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस वाली वैल्यू मैक्सिमम होती है, माइनस वाली वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। इसके अलावा प्लस जो ये प्लस इनफाइनाइट आया ये क्या बताएगा, मैक्सिमम वैल्यू, जो ये माइनस इनफाइनाइट आया ये क्या बताएगा आपको, मिनिमम वैल्यू बताएगा। क्लियर हो गया, माइनस एक्स का क्लियर हो आप लोगों को? यस सर। ओके देखो अब यहाँ पे क्या है, अब हमने एक्सप्रेशन ले लिया एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन ले लिया इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट राइट है, क्या रख सकते हो। देखो अगर 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, माइनस 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो भी 1 आएगा। माइनस 2 रखोगे तो भी पॉजिटिव का 4 आएगा, तो ऐसे इंक्रीज करते हुए कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो वैल्यू कितना गई, इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू बताओ, माइनस इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो जो जीरो होगी, जिससे एक्स की वैल्यू हम लोग ऐसे ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 इधर, इस तरह से x की वैल्यू हम लोग लेते हैं माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इधर इधर भी लेते हैं 0 1 2 इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू लेते हैं, यहाँ से इनफाइनाइट, इधर भी कितना ले लिया, इनफाइनाइट ले लिया, बताओ
माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू रखोगे तो माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर हो जाएगा। माइनस वन का स्क्वायर, माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर कर लो तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। माइनस टू का स्क्वायर करोगे फोर आएगा, एक डॉट डॉट है ठीक है। माइनस वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस का वन। जीरो का स्क्वायर क्या आएगा, जीरो। वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, राइट है क्या। तो देखो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट लेना है, प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट तो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, प्लस इनफाइनाइट तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये क्या हो गया, प्लस इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बता, जीरो। जीरो राइट है ना, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट, बीच में क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है, उससे छोटी वैल्यू कोई नहीं आ रहा है, उससे छोटी वैल्यू कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जाएगी नहीं, क्योंकि सारी वैल्यू क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, तो जीरो में जाएगी नहीं, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो। समझ में आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर है तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, माइनस एक्स। हाँ सेम, नहीं चलो इसको देखो फिर से, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या कर ले लो, एक्स की वैल्यू ले लो यहाँ माइनस इनफाइनाइट से डॉट डॉट माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट से ले लो ठीक है ना। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट से स्क्वायर क्या होगा, प्लस का इनफाइनाइट, ये पहले से माइनस है क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट राइट है ना। माइनस टू का स्क्वायर करोगे क्या होगा, प्लस का फोर हो जाएगा, माइनस पहले से है माइनस फोर हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे क्या माइनस वन है, माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का वन, पहले से माइनस है क्या हो जाएगा, माइनस का होगा राइट है। ये टू है, टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर होगा, पहले से माइनस है क्या होगा, माइनस का फोर होगा। जीरो भी तो है बीच में, जीरो का जीरो रखोगे तो जीरो का स्क्वायर कितना होगा, जीरो होगा। अब उसको माइनस मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई बात नहीं, वन रखो, वन का स्क्वायर कितना होगा, वन, पहले माइनस है माइनस वन, टू का स्क्वायर फोर, पहले माइनस है तो क्या हो जाओ, माइनस फोर। इनफाइनाइट रखो, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही आएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। बताओ अब यहाँ से बताओ इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए भी डॉट डॉट है, जीरो देना, ये ए डॉट डॉट है, ये भी क्या है, माइनस इनफाइनाइट तक डॉट डॉट है। अब बताओ यहाँ मिनिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितना, जीरो 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 दिखाई दे रही है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये सारे के सारे वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव बस जीरो आ रहा था, जीरो ही सबसे बड़े नेगेटिव ये में जाने से बेटर होता है तो ना, किसी से उधार लेने से बेटर है कि हम घर पे ही बैठे रहे, किसी से मांगना ना पड़े राइट है ना। तो यहाँ पे भी सेम किया, मिनिमम वैल्यू कितना आएगी, माइनस वन, माइनस वन, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, यानी जितनी छोटी वैल्यू नेगेटिव में रहेगी उतना ही वो, जितनी बड़ी नेगेटिव में रहेगी उतना ही छोटी वैल्यू होगी, ये कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। नोट कर लो, इसी बेसिस पर हम कुछ कोशिश करें। नोट कर लो आप,
हो गया नोट? हो गया? हाँ सर। चलो कोई जैसे इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में बताता हूँ, समझो इसको कैसे करोगे आप लोग, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। देखो पहले तो क्या कर लेना, ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट में एक्स माइनस टू नाइन, तो फैक्टर टाइप है, तो पूरा एक्सप्रेशन हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, यहाँ पे एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस टू का माइनस नाइन प्लस 18 हो गया, तो कॉन्स्टेंट का वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर। देखो अभी एक्स का माइनस नाइन में मल्टीप्लाई करो तो माइनस नाइन एक्स, माइनस टू का माइनस टू एक्स में मल्टीप्लाई करो तो माइनस टू एक्स, टोटल कितना हो जाएगा? माइनस 11 एक्स। क्यों? क्योंकि माइनस नाइन एक्स माइनस टू एक्स मिलकर कितना होगा? माइनस 11। अब यहाँ से दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है ना? दो तरीके देखो, एक फार्मूला बता दूंगा, फार्मूला से देख लेना, या फार्मूला नहीं करना है तो डायरेक्ट आप क्या करना कि ऑब्जर्वेशन से कर सकते। पहला तरीका तो ये है ना कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 है ना, एक तरीका तो इसका स्क्वायर बना लो, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था कि होल स्क्वायर बनाना। हम लोग क्या करते हैं, x के कोफिशियंट का हाफ लेते हैं, x के कोफिशियंट का हाफ ऐड करते हैं, वही क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो क्या हुआ, x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 11 बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे, अब माइनस 11 बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस का 18 तो पहले से, ठीक है? तो देखो क्या आएगा, ये आ गया क्या है, एक्स माइनस 11 बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया क्या, एक्स माइनस 11 बाई 2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 121 अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फाइनल क्या बना, एक्स माइनस 11 बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा, 121 प्लस 36 डिवाइड बाई कितना होगा, 2 होगा, डिवाइड बाई कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे क्या करोगे, x माइनस 11 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 11 11 से 6 जाएगा तो कितना आएगा, प्लस या माइनस या 18 आएगा ना, आंसर हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे कितना, 11 11 से 6 जाएगा कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 11 11 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 85 डिवाइड बाय कितना होगा, सही तो कैलकुलेशन में शिफ्ट तो नहीं हो रही है ना? नो सर। क्लियर है ना, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 11 स्क्वायर बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 11। हाँ है ना, देखो यहाँ पे होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा ना, यहाँ पे कितना होगा, 18 फोर या कितना होगा, 8 फोर या 32 72, ठीक है? अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये क्या हुआ 9, यहाँ पे कितना होगा 4, 49 हो गया, ठीक है ना?
अब आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू, ऐसा करो माइनस कॉमन लो, यहाँ पे आपको क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए, सॉरी ये वैल्यू और मिनिमम होनी चाहिए। तो इसका क्या करोगे, इससे बेटर क्या है आपको इससे न समझ में आए, जब ये कॉन्स्टेंट अगर स्क्वायर बनाना है, जब भी ये कॉन्स्टेंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाओ, अगर उसको पॉजिटिव बनाओ तो सारी वैल्यू दिखाई देगी, अदरवाइज थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है ना। देखो क्या करोगे, माइनस कॉमन हो गया 49 बाई क्या हो जाएगा 2, अब माइनस हो जाएगा x माइनस 11 बाई 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 11 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो आपसे क्या बोला है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो पूरा एक्सप्रेशन ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए क्या, अगर आपको मिनिमम चाहिए तो ये पूरा एक्सप्रेशन कितना होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए क्या, राइट है क्या। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो अगर इसमें से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इसमें से ज्यादा वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगी मिनिमम वैल्यू आएगी ना, जितना वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे उतना वैल्यू में मिनिमम आएगी ना। अगर मैंने मान लिया यहाँ पे लिख लिया 4 की फोर है यहाँ पे 4 माइनस एक्स, यहाँ की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे 0, क्या आएगा 4, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे 1 तो कितना आएगा 3, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे 2 तो कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। देखो ये मिनिमम होती जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू ऐसी क्या रखोगे जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू दे, उससे छोटी वैल्यू दे ही नहीं, ठीक है ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या रख दोगे 4 रख दोगे तो कितना आएगा ये 0, अब इसके अलावा कोई वैल्यू देखोगे तो क्या होगा 4 से रखोगे कितना आएगा, एक्स की वैल्यू रख दो 5 क्या आ जाएगा माइनस 1, इसी तरह से एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रख दो ना इनफाइनाइट तो क्या गया माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट तो मिनिमम वैल्यू होगी ना, माइनस इनफाइनाइट छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी माइनस इनफाइनाइट होगी ना, क्योंकि ये जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ, और जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट हुआ उतना ही क्या होगी छोटी वैल्यू आएगी, क्लियर ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा x माइनस 11 बाई 2 ये क्या है, x का स्क्वायर वाला टर्म है क्या, स्क्वायर वाला टर्म, x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होती है बताओ, x स्क्वायर का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे माइनस ना, हाँ तो यहाँ पे क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू कितना आई है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया माइनस x माइनस 11 बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस एक्स इसकी कितना मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सर, हाँ जी ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं ना, फैक्टराइजेशन मेथड से, हम फैक्टराइजेशन तो पहले ही था, अब क्या फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ हम लोग फैक्टर थोड़ी कर रहे हैं जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर, हम लोग फैक्टर से पहले ही था एक्स माइनस टू एक्स माइनस नाइन है, तो पहले फैक्टर ये माइनस एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू कितनी थी 0 मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे क्या रखोगे 0, ये तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, तो देखो क्या करोगे जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो ये होल स्क्वायर बना के करो आप, ठीक है हमने क्या कुछ बोला क्या, या माइनस बोला क्या, मान लो अगर जब भी इस तरह से आएगा हमें कहीं पे भी, तो ये या तो पहला तरीका है कि स्क्वायर बना लो, या तो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि इसका क्या कर दो, कि स्क्वायर नहीं बना चाहते तो फार्मूला फार्मूले पे लगा दो, ठीक है ना। तो पहले तो स्क्वायर वाला ये इतना समझ लो कि अगर स्क्वायर वाला ऑब्जर्व कर पाते हो तो कैसे होगा, यहाँ पे क्या लिखा है 4 क्यों छूट जाता है, ये माइनस क्या हो जाएगा 49 बाई 4 एच का क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो आपको जब भी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू देखना होता है ये स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए, अगर आपको मिनिमम वैल्यू बोलेगा तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या करेगा मैक्सिमम वैल्यू पूछ देगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ देगा तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, जितना कम से कम सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ये वैल्यू का भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो पहला तरीका तो ये है, इसको नोट करो तो मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ फार्मूला बेस। इसको नोट करो तो एक फार्मूला बेसिस बताता हूँ,
इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन मेथड भी मैं बताऊंगा। ये थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर बनाना अगर आपको आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है। तो परफेक्ट स्क्वायर को आप अगर नहीं बनाना आ रहा तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो जब क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बने थे। हो जाए तो बताना। हो गया? हो गया सर। हो गया? हाँ डन सर। देखो क्या है कि ये यहाँ तक जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले और उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे या मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। देखो जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अगर पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव होगा तो आपसे क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव ना हो नेगेटिव है तो क्या बोलेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना। तो देखो तो यहाँ पे इतना होता तो नोट यहाँ पे लिखना नहीं चाहते। व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब समझ रहे हो ना, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी, माइनस डी बाई फोर ए होगी। माइनस कैपिटल डी क्या मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगी, इनफाइनाइट। सिमिलर व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो देन मैक्सिमम वैल्यू डी बाई फोर क्या होगी, डी बाई फोर हो। एंड मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। समझा क्या, वेयर डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, देखा था आप लोगों ने बी स्क्वायर माइनस फोर है, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगी। ये बी है, बी स्क्वायर माइनस फोर, इतना नोट कर लो। अगर कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है आपसे और उससे मैक्सिमम मिनिमम तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो, माइनस डी बाई फोर है, यहाँ पर डी बाई फोर है,
मैक्सिमम के लिए डी बाई फोर है, मिनिमम के लिए माइनस डी बाई फोर है। ध्यान देने वाली बात है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर आएगी। नोट हो जाए तो बताओ लो। ये फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर d इज इक्वल टू b स्क्वायर ना वो? हां b स्क्वायर माइनस 4ac वेयर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। हो गया नोट? ऑनलाइन नोट हो गया आप लोग? तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में, तो इसका कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव या नेगेटिव है? ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो है? ग्रेटर देन जीरो है ना इसकी वैल्यू। एक्स स्टार का कोफिशिएंट कितना है? ग्रेटर देन जीरो है ना, वन है। पॉजिटिव का वन है, पॉजिटिव का वन क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होगा ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो, यही होता है ना। तो बताओ a की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई? वन। b की वैल्यू कितना आ गई? माइनस 11। c की वैल्यू कितना आ गई? 18। पुट कर दो क्या हो जाएगा? माइनस b की वैल्यू कितना आ गई? माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 18 डिवाइड बाई, या 2 या नहीं 4 ही बोला था ना मैं, क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 क्या हो गया? माइनस 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। ये कितना होगा? 72 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 4 आ गया। कितना? 49 बाई, कितना आ गया? 49 बाई 4। समझ में आया क्या? समझा नहीं समझा? देखो क्या है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन है, ठीक है ना। देखो क्या एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले कहाँ पे इतना क्या है? ए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले कितना है? वन है। एक्स स्क्वायर से पहले कितना है? वन, यानी ए की वैल्यू कितना हुई? वन। यहाँ पे एक्स से पहले क्या है? डी।
यहाँ पे x से पहले क्या माइनस इलेवन, तो b की वैल्यू क्या हो गई माइनस इलेवन, c की वैल्यू यहाँ पे क्या सी ऐसी जगह पे क्या है एट्टी, c की वैल्यू कितना हो गई एट्टी। अभी हमने मिनिमम वैल्यू के लिए फार्मूला देखा माइनस डी बाई फोर ए, आपने लिखा था माइनस डी, डी को मैंने लिखा था बी स्क्वायर माइनस फोर ए, डी को मैंने लिखा था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दे लिखा माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन क्या हो गया फोर ए हो गया। ए की वैल्यू बी की वैल्यू कितना माइनस इलेवन रख दिया, ए की वैल्यू ए फोर वैसे ही ए की वैल्यू कितना वन, तो वन रख दिया, सी की वैल्यू एटीन है तो एटीन रख दिया, सॉल्व किया। हो गया नोट, हो गया आप लोगों का भी ऑनलाइन? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी मिनिमम वैल्यू कितना आएगी? माइनस थ्री। कितना? माइनस थ्री। माइनस थ्री।
और किसी का? कितना और किसी का नहीं? देखें फिर। चलो देखो क्या है ये एक्सप्रेशन में, ये पूरा अपना विदाउट सॉल्व किए ही आंसर आएगा, इसका सॉल्व करना नहीं है इसको। अच्छा एक बताओ, मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए कि नहीं, बताओ। आप लोग बताओ ऑनलाइन में भी, अगर ये वैल्यू अगर आपको मिनिमम पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम चाहिए, ये वाली वैल्यू जो है वेरिएबल वाली, ये वाली वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसमें सबट्रैक्ट होगी तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगी ना, राइट है ना? मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाए, मैक्सिमम होनी चाहिए ना, तो ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी कितना, बात तो है ना, ये वैल्यू मैक्सिमम कितना आएगी? तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखोगे कि ये पूरा, इसका मतलब डिनोमिनेटर वाला टर्म आपका मिनिमम होना चाहिए तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना। डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर वाला टर्म मिनिमम होना चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। एक्स की वैल्यू मिनिमम कितना होती है एक्स स्क्वायर की? जीरो। जीरो होती है, जीरो हो जाती है। तो जीरो यहाँ पे रख देंगे तो क्या जाएगा, वन बाई वन माइनस थ्री इक्वल टू, समझ में क्या, किस पे होगा एक्स के, किस वैल्यू पे मिनिमम हो रहा है, एक्स के, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू। अब कोई अदर वैल्यू रखो, जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू रखो, ये तो जानते हो कुछ भी वैल्यू रखो पहले पॉजिटिव बना, वैल्यू पे हुआ एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हुआ, कितने पे हुआ, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हुआ है, कितना माइनस का टू हो गया, समझ में आया ना? तो ये आपको ऐसे देखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे रखा कि चलो एक अनदर वैल्यू रख के देखते हैं, वन, तो वन रखेंगे तो कितना आएगा, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन कितना होगा टू, तो वन बाई टू कितना होता है जीरो पॉइंट फाइव। अब बताओ मुझे एक वन अपान जीरो प्लस वन की माइनस थ्री, बहुत छोटी सी वैल्यू ले रहे हो, यहीं से कंपेयर कर लेंगे, वन डिवाइड बाई वन क्या होगा माइनस थ्री इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब एक वैल्यू लेते हैं यहाँ पे वन लेते हैं, क्या हो जाएगा, वन डिवाइड बाई वन प्लस वन माइनस थ्री, तो क्या होगा वन बाई टू माइनस थ्री हो गया क्या, वन बाई टू का मतलब कितना होगा जीरो पॉइंट फाइव माइनस थ्री। अब जीरो पॉइंट फाइव माइनस थ्री कितना होता है, माइनस का टू पॉइंट फाइव आएगा क्या, माइनस का टू पॉइंट फाइव आएगा क्या, ये क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का टू पॉइंट फाइव आएगा ना, यहाँ पे वन रखेंगे तो माइनस का टू पॉइंट फाइव आ गया। अब माइनस का टू पॉइंट फाइव माइनस थ्री में से सब कट करेंगे तो माइनस, अब बताओ वन ज्यादा है कि माइनस टू ज्यादा है, छोटी वैल्यू क्या वन ज्यादा, ये बड़ी वैल्यू यहाँ से सबट्रैक्ट कर रहे हो ना, यहाँ से क्या कर रहे हो, यहाँ से बड़ी वैल्यू कितनी सबट्रैक्ट करो, वन सबट्रैक्ट करो, वन सबट्रैक्ट करो माइनस टू आ रहा है, पॉइंट फाइव को सबट्रैक्ट कर रहे हो, पॉइंट फाइव सबट्रैक्ट करो तो माइनस माइनस टू से क्या होगा, ये तो बड़ी, ये वाली तो बड़ी बड़ी आएगी ना, समझ में आया क्या?
तो आपको क्या करना है, बस इसका ये मतलब है कि आपको जब मैक्सिमम दे या मिनिमम दे वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम में ये ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे एक्स की वैल्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंड होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, सोल्यूशन पे कम आते हैं क्वेश्चन। मैक्सिमम मिनिमम से सोल्यूशन पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो 11th 12th में बनते हैं, क्योंकि अच्छा खासा डिफ्रेंशिएशन लगता है वहाँ पे, दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग एक ही बार डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट निकालते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये वैल्यू क्या आएगी, वन, और वन से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। जैसे हमने यहाँ पे 2 रखा 0.5, और अनदर कोई वैल्यू होगा तो और छोटी होगी, अनदर वैल्यू रखोगे तो और छोटी है, और छोटी वैल्यू रखोगे तो सबसे छोटी आती है, नहीं छोटी से छोटी वैल्यू। इसका मतलब ये वैल्यू अगर कितना होगी, ये वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो ये वैल्यू अगर मिनिमम होगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम मिलेगा। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू। क्योंकि ये 3 तो फिक्स है, 3 तो क्या है, फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो सकता, जो भी चेंज होना है यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो, यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या सभी को, समझ में आया क्या, ऑनलाइन ऑफलाइन? सर टिक किस पे करना है, 0 पे या -2 पे? क्या बोल रहे हो, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, आंसर किस पे टिक करना है, 0 पे करना है या -2 पे करना है? 0 पे करना है, -2 पे मतलब? हेलो तो x की वैल्यू 0 रखी हमने, तो मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे फाइंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना इस एक्सप्रेशन की। हाँ ये पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू। तो सर अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 1/5, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो, हाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे इधर 1.5 आएगा, हाँ 1/ हाँ x को 1/x वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना जाएगा, 5 आएगा, तो 0 पॉइंट कितना जाएगा, 2 माइनस है, हाँ जी कितना जाएगा, 2.8 माइनस 2.8, अच्छा हाँ यहाँ पे माइनस 2, राइट राइट, ये माइनस 2 से क्या होगा, माइनस 2.8 क्या होगा, बड़ा होगा, राइट राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या करते, रखते जा सकते हैं, देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन मुझे लगता है चेंज होगा, पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू क्या करते हैं, रखते जितनी बड़ी वैल्यू रखते जा रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या छोटी मिलती जा रही है, तो छोटी छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलती चली जा रही है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है, तो हमारा यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आएगा, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है, यहाँ पे जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू रखते हैं, देखो कितना रख सकते, जैसे यहाँ पे आप 3 रखोगे तो 3 रखोगे तो और कम से कम छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, तो जितना कम सब्ट्रैक्ट होगा उतना नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि 3 माइनस नहीं है वो, मैं क्या कर रहा था 3 माइनस लेके, हाँ उल्टा हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू डालोगे उतनी छोटी से छोटी वैल्यू, जितनी छोटी से यहाँ पे जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू डालो उतनी क्या आएगी, छोटी से छोटी वैल्यू आएगी, तो अगर यहाँ से इतनी छोटी वैल्यू आएगी तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, उतनी छोटी क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, वैल्यू क्या होगी, छोटी सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू 3-3 ही आएगी, -3 से छोटी वैल्यू नहीं, -3 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम पूरा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ये पूरा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, अरे 0 तो होगा नहीं, 0.something आएगा, ये पॉइंट में दिया रहता है आंसर हो जाता है, ऐसे आएगा 0.0000 something कुछ आएगा, बहुत वैल्यू रखोगे तो इसमें से -0. इसमें से 3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, -2.9999 मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ और था, हमने कुछ और दे दिया है, इसलिए ऑप्शन ए दिया, इसका ऑप्शन ये वाला होगा, ऑप्शन ए डी क्यों हो रहा है, ये ऑप्शन डी क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में छोटी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि ये नेगेटिव है, अगर यही उल्टा रहता क्वेश्चन 3-1/1+x² रहता तो ये ऑप्शन राइट होगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा होता तो फिर -2 राइट था ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू, हाँ इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछते तो -2 राइट था ना, -2 होगा ना, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा इसका तो -2 होगा।
हेलो हाँ हेलो सर, ये एक्स का वैल्यू क्या क्या लिया है आपने? एक्स की वैल्यू जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ऑब्जर्व, मैंने यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या है, ये मैंने जस्ट कहा है ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको जी करे वो ले सकते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या कर लिया हमने, वन रखा था, पहले जीरो रखा था, तो यहाँ पे जीरो रखा था तो वन बाई वन आता, तो वन वन बाई वन आता, तो वन में से माइनस थ्री सबट्रैक्ट कर दे, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो आप, तो देख लो आपको समझ में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू एक बार जीरो ले लो, वन ले लो, टू ले लो, थ्री, ऐसे डाटा डे जाओगे ना, देखो एक्स की वैल्यू जब जीरो लोगे तो ये क्या आ जाएगा, वन अपान वन अपान जीरो प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, वन माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कर दो। जब वन अपान वन लोगे तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू माइनस थ्री क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका टू माइनस टू पॉइंट फाइव। वन अपान टू रखोगे तो टू का स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री तो कितना हो गया, पॉइंट टू माइनस टू पॉइंट एट। तो अब बताओ आप लोग मिनिमम वैल्यू किधर जा रही है, मिनिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू कौन सी है इन तीनों में, क्यों कंपेयर 2.8 है ना, क्योंकि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतना ही क्या होती है छोटी वैल्यू होती है, माइनस क्या होगा 2.8 होगा, माइनस 2.8 क्या होगा इसकी मिनिमम वैल्यू। अगर हमने 2 रखा, अगर 3 रखेंगे तो 2.8 से और बड़ी यहाँ पे आएगा क्या, माइनस 2.9 समथिंग आएगा, जैसे यहाँ पे 3 रखो तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये या 4 रख लो थोड़ा डिविजुअल में आसानी होगा, 16 नहीं 3 ही रहने दो, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 10 में 1 से डिवाइड करोगे 0.1, ये कितना हो जाएगा माइनस 2 पॉइंट कितना हो गया 9 आ गया, माइनस 2 अब माइनस 2 पॉइंट फिर से क्या आ गया छोटी वैल्यू आ गई, ऐसे छोटी छोटी क्या आ गई माइनस 2 पॉइंट समथिंग 0.0 आएगी, इसका मतलब मैं वही बोला कि माइनस 2.999 करके आएगी तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी 3 है, ये क्या होगा मिनिमम वैल्यू। अगर यही एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो वो क्या कहा होता, माइनस टू से बड़ी वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी एक्सप्रेशन को बोलता तो मैक्सिमम वैल्यू कितना जाती है इसकी माइनस का टू। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बताना चाहिए। अगर यहाँ पे देखो ये दोनों क्वेश्चन लिख लो, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन लिख लो, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगी, जीरो बी माइनस वन सी माइनस टू एंड डी माइनस थ्री, तब आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन ये लिख लो कि मैक्सिमम में क्या आ जाएगा, मिनिमम में क्या आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन था और कुछ भी नहीं करना था हमें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, समझ में आया क्या? यस सर, क्लियर हुआ? अभी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई ये थोड़ा सा हमने उल्टा क्या समझा था कि हमें लगा एक्सप्रेशन हमें ये मान के चल गया कि 3 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वो हमारा मिस हो गया, माइनस 3 ऑलरेडी पहले से माइनस है। हो गया नो? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करें, चलो यही रफ करते हैं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन लिखो और बस यहाँ पे ना ये कर दो, ऑप्शन भी सेम रख दो, यहाँ पे कर दो आप बढ़ा दो इंक्रीज क्या कर दो, ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस टू माइनस टू माइनस
माइनस टू। और कुछ और किसी का? और किसी का? देखें इस क्वेश्चन को। देखो क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर है ना, वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री है ना। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू बोला है ना, मिनिमम वैल्यू बोला है, मिनिमम वैल्यू कब देगा ये, मिनिमम वैल्यू कब देगा आपको? ज्यादा वैल्यू नहीं देखना होता है, एक दो दो तीन वैल्यू अगर देखा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अगर एक दो वैल्यू रख लो, एक दो वैल्यू, दो दो से तीन वैल्यू रख के आपको कंपेयर कर लो। जैसे यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे भी आएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे। हमें क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू बोला, हमें क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू बोला, इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कब आएगी, देखो एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, एक्स की वैल्यू को जीरो रखोगे, एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे, एक्स वैल्यू जीरो रखोगे तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, यहाँ पे क्या गया वन, तो वन माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस। चलो एक्स की वैल्यू वन रखोगे, एक्स की वैल्यू कितना रखोगे वन रखोगे, तो जैसे वन रखोगे तो क्या आ गया, वन प्लस वन अपन वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री, कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा वन है, ये पॉइंट फाइव होगा, तो वन पॉइंट फाइव माइनस थ्री, माइनस वन पॉइंट फाइव आ गया, क्या माइनस वन पॉइंट फाइव आ गया, राइट है। अब इसके बाद वन प्लस वन अपान थ्री का स्क्वायर कर लो, एक नंबर ज्यादा कर लो, माइनस थ्री से कितना हो जाएगा, देखो वन पॉइंट वन ये कितना, थ्री का स्क्वायर कितना, वन पॉइंट वन माइनस कितना हो जाएगा, चलिए हमने थ्री रखा है ना यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो थ्री, तो थ्री पॉइंट कितना हो गया वन, कितना हो गया थ्री पॉइंट वन हो गया ना। अगर हम लोग यहाँ पे थ्री रखें, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू कितना रखें, सॉरी थ्री का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा, नाइन पॉइंट वन, नाइन पॉइंट वन हो जाएगा, नाइन पॉइंट वन माइनस थ्री करेंगे तो कितना आ जाएगा सिक्स पॉइंट। तब बताओ इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, माइनस टू आ रही है क्या, क्योंकि इसके बाद कोई भी वैल्यू रखते जाओगे, जीरो के अलावा कोई भी, वन रखोगे टू रखोगे माइनस वन रखोगे माइनस टू रखोगे तो वैल्यू पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो वैल्यू और बढ़ेगी, छोटी नहीं होगी, हमें वो क्या होगी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी तो काफी बड़ी वैल्यू आएगी, तो हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए था, हमारा मिनिमम वैल्यू क्या रहा माइनस, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, समझ में आएगा। इसका मिनिमम वैल्यू समझ में आ गया इस क्वेश्चन का, क्लियर हुआ सब को कि नहीं हुआ, किसी का कहीं कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर हुआ, कोमल ये इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, ये समझा गया, कोमल ये क्लियर हुआ क्या आपको? हाँ सर, सॉरी सर वो माइक से आवाज नहीं जा रही थी इसलिए आवाज नहीं गया। हाँ जी सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ओके, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन, जैसे जितने क्वेश्चन
देखो एक्स हमने क्या किया, बस ज्यादा वैल्यू नहीं लिया, दो तीन वैल्यू लिया, एक्स की वैल्यू जीरो डाल दिया, तो जीरो डालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, कितना गया वन अपन वन, मतलब वन हो गया, वन माइनस थ्री क्या हुआ माइनस थ्री, जब इससे बड़ी वैल्यू रखने जा रहे हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू जीरो से तो वन रखते हैं, एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन अपन वन का स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, वन प्लस वन अपन टू, वन अपन टू क्या हुआ पॉइंट फाइव, तो वन पॉइंट फाइव माइनस थ्री क्या कितना होगा वन पॉइंट फाइव आ गया, ठीक है, हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखा आपने थ्री, थ्री का स्क्वायर कितना होगा नाइन प्लस वन अपन थ्री का स्क्वायर प्लस वन, थ्री का स्क्वायर प्लस वन कितना होगा टेन, तो वन डिवाइड बाई टेन कितना होगा जीरो पॉइंट वन, तो नाइन प्लस जीरो पॉइंट वन कितना होगा नाइन पॉइंट वन माइनस थ्री कितना हो गया सिक्स पॉइंट वन, तो अब देखो इन दोनों में वैल्यू, इन सबों में वैल्यू कौन सी छोटी वाली है, इस सब सभी में छोटी वैल्यू क्या आ गई माइनस टू, आए माइनस टू से छोटी वैल्यू आएगी क्या, माइनस टू से छोटी वैल्यू आएगी क्या, नहीं, तो माइनस टू से छोटी वैल्यू नहीं आएगी, तो माइनस टू क्या होगी छोटी वैल्यू होगी ना, मिनिमम वैल्यू बोला था छोटी, छोटी वैल्यू बताओ तो छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी माइनस वन, क्लियर हुआ, यस सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स
हुआ क्या? हेलो, हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है, बोलो ना। 27 बोला था। कितना? 5। ओके, 5 आ रहा है। और किसी का? वाई पर है। चलो देखते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू अफेक्ट क्या होगा। देखो पहले तो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ एफ प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेवन, ठीक है ना। अगर एफ प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेवन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए हम लोग यहाँ पे हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछना है कि मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, तो इन दोनों का ना स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर जाएगा एफ प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 7 का, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू कितना होगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनल क्या बनेगा देखो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या आएगा xy प्लस yz प्लस zx। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास क्या है कंडीशंस में क्वेश्चन दिया होगा, कंडीशंस में एक्चुअली यहाँ से निकाले एक्चुअली यहाँ से मैक्सिमम निकाले, अब ये तो नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करें दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं कि एक सिंगल इक्वेशन निकालना चाहते, ठीक है ना। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू दिया हुआ है कितना है 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना होगा 49, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी 49 माइनस 10 का 10 टू जा कितना 20, मतलब कितना हो गया 20। ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया 29 हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया 49 माइनस 29 हो गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात किया जाए हम लोग तो देखो इसका मतलब कि y और z क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो y और z क्या होना चाहिए मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ना, तो y और z मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, y स्क्वायर z स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर ये मैक्सिमम बनाना है हमें कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना हो सकती है y स्क्वायर और z स्क्वायर की 0 हो सकती है, राइट है क्या, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू तो नहीं आएगी ना, माइनस में भी जाएंगे तो क्या स्क्वायर बना के क्या करते पॉजिटिव बना देंगे, इसका मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गई 29 आ गई, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गई 29 आ गई, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 29 हो गई तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में 29, एक्स की वैल्यू क्या हो गई रूट में 29, एक्स की वैल्यू रूट में 29 इसकी क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू इससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, समझा क्या आप लोगों ने, समझ में आया क्या? हाँ सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? सर क्या बोल रहे हो? हेलो, यस सर बोला। ओके ओके, अब देखो लिसन, अब यहाँ थोड़ा सा देख लो मैक्सिमम वैल्यू को मतलब क्या कर दिया आपने, एक्स की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, मतलब एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होती है। जब इक्वेशन सॉल्व करते हो आप लोग कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो
थोड़ा देख लो, सब नोट कर लेना। कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जैसे हम मान लिया कि हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू टू है, x माइनस वाई इज इक्वल टू वन है, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टू एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू। इसका मतलब क्या गया, x की वैल्यू थ्री बाई टू, तो यहाँ पर भी x की मैक्सिमम वैल्यू होती है थ्री बाई टू या मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों ऐसी रहती है, कितना थ्री बाई टू ही रहती है, क्या इससे बड़ी वैल्यू हो सकती है क्या वो x की, उससे बड़ी वैल्यू रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं करेगा, इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा, दोनों में से किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी जो x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आई है और y और z की मिनिमम वैल्यू लिया है, दैट मीन्स y और z की वैल्यू जीरो लिया है, x की वैल्यू क्या लिया है रूट में 29, इसका मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए ना, उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए ना। क्वेश्चन समझ रहे हो, जैसे x की वैल्यू तो रूट में 29 आ गई, तो जब y की वैल्यू जीरो है और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, y की वैल्यू जीरो और z की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितना आ गई, रूट में 29 तो आ गई, x की वैल्यू रूट में 20 बनाए ना, कोई प्रॉब्लम। अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू रूट में 29 डालेंगे तो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये, वॉइस नहीं आ रही है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया था, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी ने क्लियर भी किया है, ठीक है ना, आई एस भी कहते हैं, यहाँ तक आप लोग सेटिस्फाई भी हो गए थे, तो आप लोगों ने आंसर भी मिल गया था 29। अच्छा आपका तो 5 का आता ना कोमल, कैसे वो इक्वेशन है ना, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, उसमें रखा x इक्वल टू x प्लस y प्लस z इन ब्रैकेट x प्लस y प्लस z द होल स्क्वायर माइनस 3 इनटू xy प्लस y प्लस yz प्लस zx के इक्वेशन में रखा, तो xyz की x प्लस y प्लस z की वैल्यू 7 है, 7 इनटू 7 का स्क्वायर माइनस 3 इनटू 10, 3 इनटू 10 30 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 30 किया तो 19 आया, 19 इनटू 7 133 आया, तो यहां पे और उसके पहले x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, इसमें मैंने y और z की वैल्यू जीरो रख दी, तो x क्यूब इज इक्वल टू 133 आया, तो क्यूब रूट लगाने के लिए क्यूब रूट लगाया तो कुछ 5 पॉइंट समथिंग में आ रहा था, तो मैंने बोल दिया, कोई नहीं चलेगा, समझ में आना आप लोगों को। यहाँ पे देखो क्या है कि x की वैल्यू क्या हो गया, कि यहाँ पे y की वैल्यू जीरो गई, z की वैल्यू जीरो हो गई, कोई बात नहीं, x की वैल्यू y की वैल्यू जीरो ले, z की वैल्यू जीरो, लेकिन x की वैल्यू अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू रूट में 29 लेते हैं, रूट में 29 मतलब कितना होगा, 5 point something यहाँ पे x की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जो रूट की वैल्यू क्या हो गई 5 point something को जो भी आ रही है हमें नहीं पता है ना, तो अगर ये रूट की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ये x की वैल्यू अगर ये मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू ये मैक्सिमम, तो इस इक्वेशन को कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, जब y इज इक्वल टू 0 करेंगे, z इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है ना, तो x के मैक्सिमम के लिए दोनों मिनिमम होना चाहिए, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 होना चाहिए क्या, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 होना चाहिए क्या, अगर 7 होगा तो अगर ये दोनों जीरो होंगे, इन दोनों को क्या करो, मिनिमम बनाओगे, इन दोनों को मिनिमम बनाओगे तो जीरो आएंगे, x की वैल्यू 7 रखोगे, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, 49 का हो जाएगा, समझ में आ गया। सर x की वैल्यू तो 5 पॉइंट कुछ में आ रही है ना, हाँ 5 पॉइंट x की वैल्यू आ रही है ना, तो x की वैल्यू 5 पॉइंट लेने की जरूरत क्या है, रूट में 29 नहीं ले ले, बात दोनों ऐसे ही है ना, अगर अप्रोक्सीमेट लेके जाना है तो रूट में 29 डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है ना सर, लेकिन हमको पूछा क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x पूछा है ना, हाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x पूछा है, x की वैल्यू रूट 29 आई तो 7 पे कैसे गए, तो 7 मैं वही बोला x की वैल्यू का रूट में 29 आई, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए ना मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो इक्वेशन इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या सर, सपोज रूट 29 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 5.5 आ रही है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू 5.5 हो जाएगी, तो y और z की कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे जिसका एडिशन
सेवन हो जाए, फाइव पॉइंट फाइव है। हाँ तो एक मिनट, एक मिनट, इसी वैल्यू रखेंगे जीरो को। देखिए हम इसको तो मिनिमम लेके जाएंगे ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एक्स का होता है ना, इन दोनों को तो मिनिमम जीरो लेके जाएंगे ना। एक्स और वाई को तो अभी हमने जीरो लिया, तभी तो एक्स की वैल्यू 20 आ रही है ना। एक्स की वैल्यू 29 तो तभी आ रही है ना। क्या हुआ, नहीं क्लियर हुआ? एक्स की वैल्यू क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर मैक्सिमम हम लोग ले रहे हैं रूट में 29, एक्स की वैल्यू रूट में मैक्सिमम लेते हैं रूट में 29, रूट में 29 ले लेते हैं तो वाई ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हो, मिनिमम ले रहे हो। तो वाई ऑब्जेक्ट मिनिमम ले रहे हो, तो वाई ऑब्जेक्ट मिनिमम कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। लेकिन मिनिमम क्यों लेंगे, हमको तो देखना है ना x plus y plus z is equal to 7 होना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर 5.5 आ रही है रूट के बाहर निकाल रहे, तो y की वैल्यू 0.5 और z की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो भी तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। हाँ तो यहाँ पे इनकी वैल्यू चेंज हो गई ना, फिर तो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ना। x की वैल्यू कुछ और ले ले तो x की वैल्यू चेंज भी तो हो सकती है ना। इसकी वैल्यू 2 ले ले, इसकी 4 ले ले, x की वैल्यू 1 भी तो हो सकती है ना। पर x की वैल्यू तो निकाल ली है ना हम लोगों ने। हाँ x की वैल्यू निकाला कब, जो y ऑब्जेक्ट को मिनिमम लिया ना। ओके सर, y और z को क्या किया हम लोगों ने, मिनिमम लिया है ना। y और z को क्या लिया, मिनिमम लिया ना। एक मिनट मैं इसका आंसर चेक करता हूँ। हाँ राइट है, क्या हो रहा है आज, राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग, ठीक है ना। एक्स की वाली जो रूट में 20 आया है ना, ऑप्शन में भी यही आया है, हम 7 फालतू में ले रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन में भी 29, क्योंकि एक्स की वाली जब वाई की वाली और जेड की वाली मिनिमम ले रहे हो, तो एक्स की वाली कितना आ रहा है, रूट में 29 ही आ रहा है ना। हाँ वो कह रहा है मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम नोट कर लो आप लोग, इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, रूट में 29 ही आ रहा है। आप दो तीन क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम में प्रॉब्लम हो रही है, कई आंसर चेंज हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैं वहाँ पे इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा था, x plus y plus z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 को। चलो एक क्वेश्चन और करो आप लोग, ये हो गया नोट। नोट हो गया होता है क्वेश्चन और करो। हो गया ना? हाँ सर। इफ इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x and y are real number, real number, find
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई, ए है 20, बी है 81y, सी है 81, डी है 81. कितना आया? 81 xy की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 81 सर, 81. और किसी का 81, इसमें 81 बाई 4 दिखा रहा तो कहीं से मिस्टेक है. हाँ यही आ रहा है, आया गया. हेलो, हाँ सर, ये x प्लस y इज इक्वल टू a है या 9 है? x प्लस y इज इक्वल टू 9 है. 9 है ना? 9 है. नहीं है, देखें फिर. देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू. x प्लस y इज इक्वल टू क्या है? 9. मैक्सिमम वैल्यू बोला है x इंटू y, क्यों कुछ दिया नहीं है हमारे पास, बस इतना ही दिया, एक कंडीशन दिया x प्लस y इज इक्वल टू 9. अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? कोई दो वैल्यू अगर मैक्सिमम है, उनका मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम है, उनका सम दे रखा है, किसी दो वेरिएबल का सम दे रखा है, ठीक है, उनके मल्टीप्लीकेशन तो बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू हो, तो दोनों वैल्यू सेम, दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. अगर दोनों वैल्यू सेम आएंगी तभी आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू होंगी, अदरवाइज मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना. आप करके देख सकते हो कि किसी भी नंबर का मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लीकेशन कब आ सकता है, कि जब दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम आनी चाहिए. अगर सेम के अलावा कुछ अनदर वैल्यू लेते हैं तो हमारा दोनों मैक्सिमम तब नहीं वैल्यू आएगी. आप करके देख लो. इसी यहाँ पे देखो क्या करना है, हम लोग एक्स की वैल्यू क्या कर लें, 2 रख लेते हैं, तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी बताओ? 7 आ जाएगी क्या? कितना आ जाएगी? 7, 7 2 जा कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, एक्स वाई कितना होगा?
18. हमें यही बोलना दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. दोनों वैल्यू सेम होंगी तो मैक्सिमम वैल्यू देगा. ठीक है, एक्स की वैल्यू और बताओ आप लोग जितना 9 बताओ. वाई की वैल्यू क्या होगी, 0. एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, 0. और कुछ लेना ले लो. एक्स की वैल्यू क्या लेना चाहते हो, 5. वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक्स वाई कितना हो जाएगा, 20. अब मैंने बोला दोनों सेम होने चाहिए, एक्स भी सेम होना चाहिए, वाई भी सेम होना चाहिए. कब, जब आपको एक्स प्लस वाई क्या दिया हुआ, एक्स प्लस वाई क्या दिया हुआ, सम अगर 9 दिया होगा. सम अगर 9 दिया है, किसी भी एक्सप्रेशन का सम 9 दिया हुआ है, दो वेरिएबल का सम 9 दिया हुआ है, 9 इन द सेंस कुछ भी दिया हो, सम दिया हुआ हो और उनके मल्टीप्लीकेशन का मैक्सिमम वैल्यू बोला है, तो वो क्या, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए. सेम होनी चाहिए तो यहाँ पे ले लो, सेम ले लोगे तो यहाँ पे 9 कब आएगा, जब ये यानी एक्स ये भी हो जाए, एक्स यानी 9/2. एक्स की वैल्यू भी 9/2 एंड वाई की वैल्यू भी क्या होगा, वाई की वैल्यू भी क्या होगा, 9/2. तो मल्टीप्लीकेशन एक्स इंटू वाई क्या आ जाएगा, 81/4 आ जाएगा क्या. 81/4 मतलब कितना हो गया ये, 4 × 2 = 8, 0.2. तो 20.2 आ रहा है क्या, इससे बड़ी वैल्यू कोई आएगी क्या, नहीं आएगी. 20.2 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये कंडीशन आप देख लो, यहाँ से ऑप्शन तो समझ आ गया ना कितना आएगा, आ गया 81/4 आया. इसका मतलब यहाँ से कंडीशन ये है कि अगर दो वैल्यू का सम गिवेन है, किसी दो वैल्यू का सम गिवेन है और उसके प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. इसे मैं बोलूँ यहाँ पे, चलो x प्लस 2y = 7. तो x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कितना होगी x और y की मैक्सिमम वैल्यू, चलो यहाँ 2 की जगह पे 3 ले लो तो भी चलेगा. इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, अब तो मैंने बता दिया कि हिंट क्या है, पर कितना मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी, 2 आएगी इस मैक्सिमम वैल्यू, 4. अच्छा नोट भी कर लो आप लोग, नोट भी कर लो आप लोग पहले. हेलो. हाँ हेलो सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था. ये जो आपने x is equal to 5 और 4 लिया, उसके बाद वाला बता सकते हैं क्या लास्ट स्टेप. लास्ट स्टेप क्या है, x is equal to 9/2, y is equal to 9/2. क्यों, क्योंकि x की वैल्यू भी सेम लिया हमने, y की वैल्यू भी सेम लेंगे, एंड दोनों वैल्यू सेम होंगी तो कम होंगे, एंड x की वैल्यू 9/2 आएगी या y की वैल्यू 9/2 होगी, दोनों वैल्यू सेम से यही आएंगे ना, दोनों वैल्यू इक्वल लिखना है, x की वैल्यू भी 9/2, y की वैल्यू भी 9/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 81/4 आ गया, ठीक है, 20.2 आ गया. तो 20.2 से बड़ी वैल्यू आएगी क्या, आप करके देख लो, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, नहीं आए. यही मैंने बताया, यहाँ से यही कंसेप्ट बताया, किसी दो वेरिएबल का सम दिया हुआ है, किसी दो वेरिएबल का सम दिया हुआ है, उनके मल्टीप्लीकेशन, उनके मल्टीप्लीकेशन का मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, तो दोनों वैल्यू सेम ले लो. दोनों वैल्यू समझ में आ गया, विकास आपको क्लियर हुआ गया. हाँ सर. हो गया. हाँ चलो. इसका कितना आया, इसका मैंने मैक्सिमम वैल्यू बोला है, इसी से इसका कितना आया, 4.
फोर आया दोनों का ना। देखो क्या हुआ यहाँ पे, यानी x और y क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए x इक्वल टू y। यानी यहाँ पे क्या है, फोर एक्स इक्वल, नहीं समझ में आया था, x इक्वल टू y कर लो, यहाँ पे भी x होगा, फोर एक्स इक्वल टू सेवन होता है, x की वैल्यू क्या गया 7/4 हो गया, समझ में आया क्या, दोनों की अब x की वैल्यू भी 7 हो गई, 4 की वैल्यू वैल्यू भी 7 हो गई, आप क्या करोगे, यानी 7/4 इंटू 7/4 कर दो, क्या हो गया 49/16 हो गया, समझा आप लोगों का 4 कैसे आ रहा है, क्या है आंसर, 49/16 नहीं आएगा ना, समझ में आया क्या आप लोगों को, क्वेश्चन लिखना और लिख लेना ऐसे, इफ दिस इज इक्वल टू इतना, जब फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इनटू वाई, तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 49/16, समझ में आ गया, यस सर, क्लियर, सिर्फ 4x इज इक्वल टू 7 कैसे आया, 7 तो दिया हुआ है ना, x की वैल्यू हमने y क्या बोला था, मैंने x और y सेम होना चाहिए, x और y सेम होना चाहिए, मैंने x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, x और y की वैल्यू सेम होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि y की वैल्यू भी सेम लो और y x की वैल्यू भी सेम लो, दोनों के x और y को दोनों क्या करते हैं सेम कर दो, दोनों क्या करते हैं सेम कर दो, x इक्वल टू y, तो x की वैल्यू कितना आ गया 7/4, तो y की वैल्यू भी कितना होगी 7/4 ही होगी ना, क्योंकि x इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे, सपोज कर लिया x इक्वल टू y, दोनों वैल्यू सेम आए, हमने क्या करा 7/4 समझ में आएगा, समझा आपको, सर एक बार बाय दोनों की वैल्यू 7/4 ली है ना, एक्स की वैल्यू भी 7/4 एंड वाई की वैल्यू भी 7/4, क्लियर, थ्री की वैल्यू नहीं है, हम थ्री दिया ना, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, हेलो क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो ना, हेलो, नहीं सर क्लियर, ओके, चलो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय।